यूक्रेन से अब तक उत्तराखंड के कुल 76 विद्यार्थी सकुशल वापस आ चुके हैं। प्रदेश के 282 लोग यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के सकुशल वापसी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन से गुरुवार सुबह तक विभिन्न विमानों से अब तक उत्तराखंड के 74 छात्र अपने देश पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर राजेश कुमार देहरादून कारगी चौक स्थित यूक्रेन में फंसे छात्र समृद्धि और विनायक थपलियाल की आवास मुलाकात करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें छात्रों की जल्द भारत वापस लाने की बात कही। एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू को नोडल अधिकारी बनाया है और बाकी सब डिविजन स्तर पे एसडीएम्स को हमने नोडल अधिकारी बनाया है और हमारा जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है वो ऑपरेशनल है 24/7 और हमने पेपर के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से डिजास्टर कंट्रोल रूम और नोडल अधिकारी के जो नंबर्स हैं उनको हमने प्रदर्शित भी किया है, टाइप भी किया है। और मेरा ये अपील है जितने भी परिजन हैं, जो बच्चे हमारे फंसे हुए उनके जो परिजन हैं वो इस डिजास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी अपडेट वो देना चाहें या अपडेट लेना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं।